ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट की। ओम शांति 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 सुशांति भवतु। जय गोपाल। आई मेरे प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रोतागणों, श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्ति रस वर्षा, जो भी भाई इस वर्षा में स्नान करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में हमारा सत्संग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। 10वां अध्याय पूर्ण रूप से भगवान अपनी योग ऐश्वर्य के विषय में कह रहे हैं। ये सारा वैभव फैला पड़ा है संसार में और ब्रह्मांड में, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। कोई कहता है कि यह मेरा है अज्ञानतावश, नहीं, सकल भूमि गोपाल की, ये पृथ्वी गोपाल की है, हमारी एक की नहीं, ना अमेरिका की है ना भारत की है, ना रशिया की है ना चाइना की है, ये तो गोपाल की भूमि है, ये तो भगवान की भूमि है। जब पूरी पृथ्वी ही भगवान की है तो ये पृथ्वी में से हम कुछ पत्थर लेकर के और उनकी सीमेंट बना करके कोई मकान खड़ा कर लेते हैं, ये इस पृथ्वी माँ के कुछ पेड़ों को गिरा करके लकड़ियों से दरवाजे बना लेते हैं, तो क्या हमारा हो गया? नहीं, सब भगवान का है। हम भी भगवान के हैं, तो भगवान से जुड़े रहने में हमको फायदा है। किरणों को फायदा है सूर्य से जुड़े रहने में। कोई किरण कहे कि नहीं, मैं तो अलग रहना चाहती हूं, तो थोड़े समय में उसको नष्ट हो जाएगी, प्रकाश नष्ट हो जाएगा, उसका तेज नष्ट हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं किरण है कहीं पर। सूर्य से कनेक्टेड है इसलिए सब उसको जानते कि आहा सूर्य की किरण है,
तो भगवान से जो जुड़ा रहता है उसको सारा जमाना यही कहता है, आहा धन्य है, धन्य है वो भक्त जो भगवान से जुड़े हैं, धन्य है वो मानव जो भगवान से जुड़ा है, भगवान को बुलाया नहीं है। इस अध्याय के नौवें अध्याय में, इस अध्याय के नौवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक प्राणी मुझे रिझाता है, मेरे पास आता है, मेरे धाम को पा लेता है। ये रास्ता बतलाया अपने धाम को जाने का, परम धाम को जाने का, परम गति का। रियल गोल ऑफ दिस लाइफ वो लक्ष्य हमारे जीवन का क्या है, उस परम लक्ष्य को बतलाया। जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, बाकी लक्ष्य तो संसार के हैं, ये तो नष्ट होने वाले लक्ष्य हैं। कोई भी लक्ष्य आपका लंबे समय तक नहीं चलता, चाहे लक्ष्य आपका संतान पैदा करने का हो, या मकान पैदा करने का हो, या देश के किसी विशेष पद पर जाने का हो, या अपने शरीर को लंबी आयु तक ले जाने का हो, ये सब लक्ष्य कुछ समय के होते हैं। देखिए हमारा जीवन 70 और 60 के बीच में अटक गया, अधिकतर लोग 70 साल से पहले जाने लग गए, कोई कोई 80 पर पहुंचता है, 100 पे पहुंचने वाला तो बिड़ला होता है। तो हमारे ये लक्ष्य कितने अधूरे से हैं, कितने क्षण क्षणिक हैं। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित महाराज को कि संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार में कोई स्थिरता नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी स्थिरता नहीं है, उसमें चेंजिंग आती है और एक दिन मृत्यु उसको निगल जाती है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे पृथ्वी हो या आकाश और सूर्य हो, या ब्रह्मांड हो या अनंत ब्रह्मांड हो, ये सब जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने तो गीता में ही कहा है दूसरे अध्याय में कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तो ये लक्ष्य मृत्यु के मुंह में चला जाता है हमारा, लेकिन परम लक्ष्य क्या है, सनातन की प्राप्ति, इटर्निटी की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान के परम धाम की प्राप्ति, स्वयं भगवान की प्राप्ति। यह हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, आत्मा का परम लक्ष्य है। शरीर का लक्ष्य हो सकता है कि अन्न बटोरना, धन बटोरना, निर्वाह के लिए मकान बनाना, ये भी लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य तो ऐसे ही है जैसे सूर्य के आगे कोई पतंगे जंप मार रहे हो, जुगनू, जुगनू नहीं छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं तो उनकी पंखों के नीचे से प्रकाश निकलता है, थोड़ा सा प्रकाश रात में देख सकते हैं हम लोग। जुगनू कहां सूर्य और कहां जुगनू, ठीक वैसे ही जुगनू के रूप से ये संसार के लक्ष्य हैं, थोड़े चमकते फिर बुझ जाते, बचपन से बुढ़ापा तुरंत आ जाता है, देखते देखते जवान हुए और बच्चे हुए और बुढ़ापे के दौर चले गए, और बुढ़ापे के बाद तो लटक गई गर्दन और मर गए, मृत्यु आ गई। जुगनू की तरह थोड़ा चमके फिर बुझ गए। तो शरीरों को संवारने के लक्ष्य तो
तो जुगनू है, या मकानों को संवारने के लक्ष्य, या पद प्रतिष्ठा को संवारने के लक्ष्य। ये तो आपका शरीर छूटता है तब आपके सर नाम निशान मिट जाता है। कितनी भी स्वर्ण पत्रिकाओं पर लिखकर नाम रखे वो एक दिन मिट्टी हो जाता है। करोड़ों पृथ्वी के ऊपर सम्राट आए, उनके नाम मिट गए, जानते हैं कोई उनके नाम? और कुछ के नाम जो स्वर्ण पत्रिकाओं में लिखे गए लिखे हुए हैं या चट्टानों पे खोदे गए हैं वो भी मिट जाते हैं हवा के झोंकों से, समय के प्रभाव से। तो ये लक्ष्य जुगनू लक्ष्य है। परम लक्ष्य तो सूर्य है, परम लक्ष्य है भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति। बार बार जन्म मरण जरा व्याधि इनके हम शिकार होते चले आ रहे हैं। हर जन्म में शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, पद पैदा किए हैं, प्रतिष्ठा पैदा किए हैं, फिर वो स्वाहा हो गई, खत्म हो गई, फिर नया जन्म लिया, फिर वही चक्कर चल गया, वही खिलौने सामने आए, खिलौने के लिए रोए, खिलौनों के लिए रोए, फिर साइकिल स्कूटर के लिए रोए रोए, फिर कार के लिए रोए, फिर सुंदर औरत के लिए रोए, फिर पद प्रतिष्ठा के लिए रोए, फिर संतानों के लिए रोए, फिर बुढ़ापा आ गया फिर रोए, फिर मृत्यु आ गई तो एक लंबी सी हिचकी आई, लंबी सिस्कारी उठी हृदय से और खत्म हो गए। ये हमारा जीवन है, ये जीवन का लक्ष्य जुगनू की तरह है, सूर्य की तरह नहीं। हमारे जीवन का, हम आत्मा है शरीर नहीं, और आत्मा का परम लक्ष्य है उस परमात्मा की प्राप्ति, उस निर्मल की प्राप्ति, उन अभय चरणों का पान हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस परमानंद की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्षणिक सुखों के लिए भटकना, वो सुख भी दुख का कारण बनते हैं। संसार के जितने भी भोग हैं ये सब रोग हैं, ये भोगों के कारण हम बार बार मरते हैं, शरीर गिर जाता है, सड़ जाता है, मुंह में से बदबू आने लगती है। ये भोगों के पीछे पड़े हैं और रोगों को निमंत्रित देते हैं, मृत्यु को निमंत्रित आमंत्रण देते हैं भोगों के कारण। ये रसगुल्ले खाने के लिए डायबिटीज को हम निमंत्रित करते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, रसगुल्ले भोग हैं, और ये भोग रोग बनते हैं। ये संसार के जितने भी भोग हैं ये रसगुल्ले हैं, जितने खाओ जूस के साथ खाए जाओ सब रोग बनेंगे, सब डायबिटिक्स बनेंगे, जीवन को जहर कर डालेंगे। नहीं, इस लक्ष्य से थोड़ा हटकर देखो, निर्वाह के लिए तो सभी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सम्राट बनने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन धन्य हो सम्राट जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके और विश्व को शासित किया, विश्व का शासन किया। श्रीमद् भागवत में ये सारे विशेष सम्राटों का, जो शुद्ध भगवान के भक्त भी रहे और सम्राट भी रहे, उनका वर्णन मिला है। अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, अशोक महान जैसे, विशेष राजा हुए हैं। सत्व्रत महाराज, हरिश्चंद्र महाराज, मानधाता, ये सब भगवान के अनन्य भक्त रहे हैं।
इनको इन्होंने भगवान को रिझाने के लिए शुद्धता से सारे जीवन जिए हैं और ये भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के धाम को। कोई भी शास्त्र और भगवान की वाणी आपको भिखारी होने के लिए नहीं बोलता। भिखारी तो वो है जिसके हृदय में भगवान नहीं है, फिर चाहे वो सम्राट हो या कोई भिखारी हो। दुनिया के दृष्टि में एक बड़ा धनाढ्य सेठ है, लेकिन शास्त्रों की और भक्तों की और भगवान की दृष्टि में तो कंगाल है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का प्रेम उसके हृदय में नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम है वो सम्राट है, वो भी भगवत प्रेम। भगवत प्रेम जिसके हृदय में है वो विश्व को प्रेम कर सकता है। फिर वो चाहे जीसस हो, गुरु नानक देव हो, या बुद्ध हो, या महावीर हो, या चैतन्य महाप्रभु हो, ये धनाढ्य सम्राट हैं, इनके हृदय में हरि का प्रेम है। जहां हरि का प्रेम नहीं वो कंगाल है, चाहे दुनिया की दृष्टि में वो बड़ा सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, तो क्या वो कंगाल है, वो भिखारी है। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का पता बतला रहे हैं और पता बतला के रास्ता भी बतला रहे हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा। प्राण क्या है? हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, इसलिए तो हम सारे कार्य करते हैं। प्राण शक्ति है जो हम सारे कार्य करते हैं, जिसके बल से योगियों ने उसको कुंडलिनी कहा है, अंग्रेजी में जिसको लाइफ फोर्स कहते हैं। एक ही शक्ति है शरीर के अंदर, हमारे अंदर। शक्ति तो परमात्मा की है, लेकिन सबके पास अलग अलग रूप से, कोई इसको किस रूप से प्रयोग करता है, कोई किस रूप से प्रयोग करता है। एक ही शक्ति को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। वही प्राण शक्ति को कोई डाका डालने में प्रयोग करता है, कोई चोरी करने में, कोई धर्म करने में, पुण्य करने में, तो कोई पाप करने में, कोई क्रोध में परिणित करता है उस शक्ति को, कोई प्यार में परिणित करता है। शक्ति एक ही है। कोई भगवान की सेवा में परिणित करता है अपने कर्मों को, भगवान के लिए कर्म करता है, और कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग कर्म करता है, जग भोगों को, जग भोगों के लिए कर्म करता है। शक्ति एक ही है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में पड़े तो कपूर बन जाती है, नाग के मुख में पड़े तो जहर बन जाती है, और समुद्र की सीपी के अंदर पड़े तो मोती बन जाती है। बूंद एक ही है, स्वाति नक्षत्र की बूंद है, पानी की बूंद। स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी हो वैसो ही फल दीन। ऐसे ही ये हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, या मन के अंदर जो शक्ति है, या आत्मा के अंदर जो शक्ति है, वो एक